अभी हम लोग बताने वाले हैं आपको टॉप सीक्रेट लोकेशन ऑफ द इरांगल। इरांगल की टॉप सीक्रेट लोकेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन गाइस फिर भी मैं ट्राई करूँगा उन लोगों को नहीं पता उन तक इस मैसेज पहुँचाने का कि वो भी सीक्रेट लोकेशन को जानते हैं कि यहाँ पर सीक्रेट लोकेशन है। गाइस ये वाला मैप जो है मेरा, मतलब ये वाला जो मैप है, इसमें मैं खाली गाइस मतलब पैर या चाकू से ही वार कर सकता हूँ और मैं गन को यूज कर सकता हूँ। और मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस एक व्हीकल ढूंढने का, कोई आसपास अगर मेरे व्हीकल मेरे को मिल जाए। पीछे है गाइस कोई व्हीकल? हाँ गाइस पीछे व्हीकल है, आगे भी गाइस कहीं है ना, कहीं होना ही चाहिए व्हीकल कहीं ना कहीं। मैं भी गाइस काश मिल जाए मेरे को कोई व्हीकल। तो अभी तो मैंने गाइस कहाँ लेना है, तो गाइस ये वाला मैच मैं खेलने वाला हूँ विदाउट एनी टेकिंग एनी वेपन, और आपको सीक्रेट लोकेशन बताने का भी ट्राई करूँगा मैं। अरे तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है, ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाई है कि मैं आपको पूरे गेम प्ले दिखाऊं विदाउट टेकिंग एनी गन, और सरवाइव करना है मेरे को विदाउट टेकिंग एनी गन, और मेरे को आना है टॉप 20 में, टॉप 20 या टॉप 30 में मैं जा सकता हूँ विदाउट पिकिंग अ गन, मतलब पिक कर सकता हूँ लेकिन यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी मैं खाली बैकपैक ले लेता हूँ और बस, और मैं कुछ नहीं लेता जिससे कि गाइस मैं इसमें हेल्थ और वो ले सकती हूँ भाई, इसमें मैं डाल सकता हूँ और भी जो चीज़ें डैमेज वैमेज सब मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। डैमेज वैमेज सारा सामान जो भी मेरे को चाहिए, बैंडेज और मेडिकिट जितनी भी सारा ये सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ यहाँ से। और ये भी हेलमेट और इंक्रीज रहता है, मेरे को लेवल 3 का हेलमेट चाहिए। अभी मेरे को गन नहीं उठानी, मैं देख सकता हूँ गाइस इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे गन पड़ी हुई है गाइस। अरे गाइस मैंने पिक कर ली लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकता, रखनी पड़ेगी मेरे को दोबारा, और फिर से गन आ गई, इसे भी मेरे को रखना पड़ेगा नीचे, इसे भी मेरे को अब मेरे को और चाहिए सामान मेडिकेट वेडिकेट, और ये इसकी तो जरूरत नहीं। हाँ गाइस मिल गया मेडिकेट, मिल गई फाइनली, और मेरे को मेडिकेट चाहिए, और एक और मेडिकेट मिल गई और बैंडेज भी मिल गई, ठीक है। एटैक्स स्कोप मिल गया, वैसे तो मिलता नहीं है एटैक्स स्कोप, जब मेरे को चाहिए नहीं कोई गन तब मिल रहा है। कोई नहीं गाइस, मोए मोए हो रहा है मेरा भी। अभी मेरे को इतना सामान मिल गया है कि मैं काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकूँ, और दो मेडिकेट हैं, मैं बहुत कम यूज़ करूँगा मेडिकेट और बैंडेजेस को भी, क्योंकि ये भी लिमिटेड ही है मेरे पास, लिमिटेड अमाउंट में है। और मैं ट्राई करता हूँ और लोकेशन पे मैं जाऊँ, और नहीं नहीं गाइस कोई गन नहीं पिक करनी। अरे हाँ पिक कर ली कोई नहीं, लेकिन यूज़ नहीं करना, मैं अभी मैं उतार दूँगा। देखो गाइस 4x फॉर्म मिल रहा है गाइस, रहा तो मेरे को चाहिए नहीं होता, अभी मिलेगा अभी नहीं, रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन गन मैं रखूँगा एक अपने पास, क्योंकि गाइस गन एक थोड़ी सी रहनी चाहिए गाइस सिक्योरिटी के लिए, बॉट को डराने के लिए, अगर मेरे सामने कोई बॉट आ गया तो मैं इस गन पकड़ के मैं तेज़ भाग सकता हूँ। ये देखो गाइस गन पकड़ के हम तेज़ भाग सकते हैं, अगर किसी के लिए एक्शन नहीं होता तो मैं बता देता हूँ, और इसलिए मैं गन अपने पास रखा हूँ। अभी तो गाइस मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, और अभी तक तो मैं सर्वाइव कर ही रहा हूँ। और अभी मेरे को चाहिए एनर्जी ड्रिंक, जो कि मेरे पास है नहीं एनर्जी ड्रिंक मेरे पास, मैं और कोई दिक्कत नहीं गाइस, लेकिन फिर भी हम कोई नहीं एक दिन जरूर अभी गाइस मैं निकल के हूँ, और अभी मेरा चैलेंज है मैं किधर जाऊँ, और हाँ किधर जा सकता हूँ गाइस, अभी तो जोन ही इधर का पड़ रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पहुँचूँ, यहाँ पे मेरे को गाड़ी मिल सकती है, और यहाँ पे मेरे को पेट्रोल भी नहीं पहुँच पाऊँगा, अगर मैं यहाँ पहुँच के तो ठीक है।
अभी मैं ट्राई करता हूँ वापस। तो गाइस ये मैं पहुंच चुका हूँ फाइनल लोकेशन पे जहाँ पे मेरे को आना था। भाई याद करो इस लोकेशन पे गाइस स्पाइडरमैन वाला जब इवेंट आता था तो इसी ब्रिज के ऊपर एक स्पाइडरमैन वाला मिलता था हमें, उससे हम टाप टाप के इसके ऊपर जाते थे। शायद आप ना जाते हो लेकिन मैं जब भी मेरे को मिलता था तो मैं यहाँ पे आता था। बस पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और बस 1-2 साल पहले आया था वो इवेंट। हाँ 1 साल पहले, हाँ भाई 1 साल पहले इवेंट आया था, उसमें हमें सब कुछ देखने को मिलती थी चीज़ें। हाँ अभी मेरे को जाना है, वहाँ पे बग्गी खड़ी हुई है तो बग्गी लेकर मेरे को जाना है और मेरे को ट्राई करना है। अभी देखोगे मैं 56 में आ चुका हूँ, टॉप 56 पे, और अभी भी कोई प्लेयर है मेरे सामने, शायद मैं मारूंगा इसे, मार के दम लूंगा। भाई मेरे गन नहीं चला, ये तो दिक्कत हो गई चला दी। बस कोई नहीं, अब मैं मर जाऊंगा चाहे जो भी, मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी से जल्दी गई, नहीं तो गई मैं मारा जाऊंगा। बस मैं थोड़ी सी गन चला दी, सॉरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन गई इतना तो चल जाएगा, इतना तो गई चल ही सकता है। गई 2 गोलियां मैंने चलाई हैं, ज़्यादा गोलियां मैंने चलाई भी नहीं, और मैंने गन यूज़ कर ली गई इसमें। और गई उरे गई उरे भाई आगे भी बंदे हैं, और अब मेरे को यहाँ पे गई मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा कि मर ही गया गई मैं। भाई मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मैं चैलेंज पूरा नहीं कर पाया, मैंने गन भी यूज़ कर ली और आखिर में मैंने गिव अप कर ही दिया और मैं मर गया। और तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, मैं मर गया हूँ, मोए मोए हो गया गाइस मेरा। देखो इस प्लेयर ने यहाँ पे जो आ रहा था, और इसका नाम है पंकज, पंकज राठौर, शॉर्ट आउट टू पंकज राठौर भाई, जिसने मेरे को मारा और इसने मेरे को ऐसे मारा, इसने देखा कुछ तो है वहाँ पे भाई, और यहीं पे आके मैं लेट गया था। और ये देखो इसने मेरे को देखा और ही मारा, और मेरे पास कुछ था भी नहीं ऐसे, और ना मेरे पास कुछ था पहनने को, कुछ नहीं था भाई, मैं बिल्कुल ही नूब की तरह खेल रहा था, तो इसलिए मैं मर गया। और इस चैलेंज को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, मैं ट्राई करूँगा फिर से इस चैलेंज को कंटिन्यू रखेंगे। बाय बाय।